अभी बिहार में राजनीतिक माहौल में एक गर्मी है मुख्यमंत्री के कुर्सी को लेकर। अभी यह कुर्सी नीतीश कुमार के पास है, मगर ये कुर्सी तेजस्वी यादव विपक्ष में है, नेता है, तो कई नेता का अनुमान था कि तेजस्वी यादव इस पर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। मगर इस कोलाहल में जिस प्रकार से जीतन राम मांझी का लगातार उनकी पार्टी की तरफ से जो बयान आया है, उनकी पार्टी के लोगों की तरफ से जो बयान आया है, और मांझी और सहनी के मुलाकात के बाद जो बयान आया है, और जो नीतीश कुमार को घेरने को लेकर बयान आया है, लालू की पार्टी ने जीतन राम मांझी को अंदर खाने से ये बातें हैं कि ऑफर किया है कि आप आइए, आपको हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। वैसे बता दें कि कई बार जीतन राम मांझी एक बार और भी फंस चुके हैं ऐसे फेरे में, जब वह खुद मुख्यमंत्री थे और नीतीश कुमार के खिलाफ उनको मैंडेट लाना था, उसके उस समय बीजेपी उनका बाहर से सपोर्ट करने के लिए बोली थी, मगर शायद उस वक्त गच्चा खा जाते हैं और इस्तीफा देकर जीतन राम मांझी को जाना पड़ता है। अभी वैसा ही कुछ हाल बन रहा है। जीतन राम मांझी की पार्टी के साथ केवल 4 सीटें हैं, इसलिए वह इतने मंझे हुए नेता तो जरूर हैं, जब 40 साल से विधायक और मंत्रालय वह जब संभाल रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री का भी लोगो लग चुका है, भले ही कई लोग कहें कि नीतीश कुमार ने बनाया हो, रबड़ स्टाम्प थे, मगर पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के रहे हैं, 10 महीने तक रहे हैं, इसीलिए कोई भी नेता उनको हल्का में नहीं लेगा। उनके बयान इसलिए भी मीडिया में ज्यादा चर्चाओं और सुर्खियों में आ जाता है। अब जो दिलचस्प बात है, उनकी पार्टी के प्रवक्ता से जिस प्रकार से बयान आया है कि जीतन राम मांझी को कोई लालच अब नहीं रह गया है, वह जिस उम्र में है उन्हें कोई ज्यादा अपेक्षा भी नहीं है कि हम ये बन जाएं, हम वो बन जाएं, हम ये रह जाएं, वो रह जाएं। और उनके पार्टी के प्रवक्ता और नेता का कहना था कि जीतन राम मांझी लगातार गरीबों और जनता की मांग को, आवाज को उठाते रहेंगे। जितनी बातें तेजस्वी नहीं उठा पाते हैं, उतनी बातें नीतीश कुमार के पार्टी के गठबंधन के नेता ही उठाते रहते हैं, चाहे वह सहनी हो या बीजेपी के नेता हो या फिर जीतन राम मांझी हो। रही सही कसर कई नेता पूरा करते रहते हैं। चिराग पासवान भी एनडीए के ही घटक दल हैं, उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, मगर नीतीश कुमार अब अपने ही नेता के चारों ओर घिर चुके हैं, उनके अपने ही नेता विरोध कर चुके हैं। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार इन तमाम प्रकार के विरोधों के बावजूद भी मुख्यमंत्री कब तक बने रहते हैं और कब तक वह जोड़ जुगाड़ की राजनीति करते हैं। तो अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे, मगर इससे पहले बता दें कि जीतन राम मांझी का जिस प्रकार से उनकी पार्टी का और तमाम नेताओं का जो बयान था और कहना था, यह कहीं ना कहीं बिहार के लिए एक अलग चिंता का विषय बना रहा है। जीतन राम मांझी को आरजेडी की तरफ से यह ऑफर आ गया है, मतलब कि प्लेटफॉर्म पे नहीं आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आया, मगर ये बातें कही गई है कि जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री हो सक, आप आइए हम बनाएंगे। और अनेक बातें चल रही है कि लालू परिवार से उनकी करीबी है, लालू प्रसाद उनके पुराने दोस्त रहे हैं, लालू प्रसाद से हमेशा मिलना जुलना रहा है और लालू प्रसाद को लगातार बधाई शुभकामनाएं भी देते रहे हैं जीतन राम मांझी। और अभी जिस प्रकार से नीतीश कुमार के खिलाफ कई योजनाओं और तमाम प्रकार की बातें की है, उसको लेकर भी वह चर्चाओं में है कि नीतीश कुमार को अभी कोई है पूर्व मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार को साफ तौर पर चैलेंज कर रहे हैं। एक बातें और है कि जीतन राम मांझी का एक दो बयान ऐसा आ गया कि वह फिर से नीतीश कुमार के पक्ष में आ जाते हैं। बीजेपी ने कुछ सवाल किया था, उसके बाद जीतन राम मांझी ने हिदायत दिया था, नीतीश कुमार को आप ऐसा नहीं कह सकते, तो उसके बाद फिर जीतन राम मांझी भी उस फैसले का इंतजार कर रहे हैं, शायद दोनों तरफ बैलेंस बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें नीतीश कुमार को ऐसा हो सकता है कि आरजेडी की तरफ से भी गठबंधन करके मुख्यमंत्री बनना पड़े, यह कोई बड़ी बात नहीं है, पहले भी कर चुके हैं, पहले भी सरकारें चला चुके हैं और फिर प्लेटफॉर्म पे आके जवाब भी देते रहे हैं कि हम बिहार के हित के लिए हम इनके साथ हो गए, हम उनके साथ हो गए। तो अभी के लिए इतना ही कहेंगे, हम और भी खबरें लाएंगे। फिलहाल ये जीतन राम मांझी पर था और जीतन राम मांझी के बयानों को लेकर था, उनकी लगातार बैठकें जो चल रही है पार्टी में उसको लेकर था, जीतन राम मांझी को ऑफर आया आरजेडी से ये लेकर उस पर था बना हुआ। अभी के लिए धन्यवाद कहेंगे, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा और फेसबुक पेज पे भी लाइक कीजिएगा। और मेरा नाम हुआ रविकांत, फिर से धन्यवाद।